हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाकिब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाकिब टेक। आज के इस वीडियो में हम इंटरकॉम सिस्टम के होल कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, जिसके अंदर हम जानेंगे कि इंटरकॉम सिस्टम क्या होता है, इंटरकॉम सिस्टम का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इंटरकॉम सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए किन किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, किन किन डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप एक इंटरकॉम सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपके पास किन किन इंस्ट्रूमेंट का होना ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि इंटरकॉम सिस्टम का कनेक्शन कैसे करते हैं, उसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में जानेंगे। एंड देन फाइनली हम लोग जानेंगे कि इंटरकॉम सिस्टम का इस्तेमाल किन किन जगहों पर होता है और हम लोग किन किन जगहों पर कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भी इंटरकॉम सिस्टम्स का पूरा कॉन्सेप्ट मिल सके, ताकि आप भी आसानी से इंटरकॉम सिस्टम को इंस्टॉल कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भी मेरा लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंटरकॉम सिस्टम क्या होता है। देखिए, नाम ही है इसका इंटरकॉम। इसका पूरा नाम होता है इंटरनल कम्युनिकेशंस। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी बिल्डिंग के अंदर इंटरकॉम सिस्टम लगा हुआ है तो आप अपने पूरे बिल्डिंग के अंदर आपस में किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं कि इंटरकॉम सिस्टम हम लोग क्यों बिल्डिंग के अंदर क्यों लगाते हैं। इंटरकॉम सिस्टम हम इसलिए लगाते हैं कि आप अपने बिल्डिंग के अंदर, आप अपने फ्लैट से पूरे बिल्डिंग के फ्लैट के अंदर आप कहीं भी कॉल कर सकें। अगर आपको वॉचमैन की कभी ज़रूरत पड़े तो आप अपने फ्लैट के अंदर से ही आप अपने सिक्योरिटी को या वॉचमैन को आप कॉल करके बुला सकें, या फिर किसी फ्लैट के अंदर आप कॉल करना चाहें किन्हीं को भी तो आप आसानी से उनको कॉल कर सकें, या फिर अगर आपका कोई गेस्ट आए या फिर कुछ आपका पार्सल कोई लेकर आए तो सिक्योरिटी आपको फ़ोन करके पहले आपसे कन्फर्म कर ले कि वो पार्सल आपका ही है, या फिर किसी कोई आपसे मिलना चाह रहे हैं तो वो आपको फ़ोन करके इन्फॉर्म कर सके, या फिर कुछ भी ऐसी ज़रूरत पड़े तो सिक्योरिटी या फिर जो भी आपके वॉचमैन होते हैं बिल्डिंग के बाहर वो आपको फ़ोन कर सके, अगर आपको उनकी ज़रूरत पड़े कुछ तो आप उनको फ़ोन कर सके। फिर दूसरा क्या होता है कि हम लोग फिर आपके बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट के अंदर फिर हम लोग लगाते हैं कि कभी रेयर केस में अगर लिफ्ट बंद हो गई, अगर लिफ्ट के अंदर आप फंस जाते हैं तो लिफ्ट के अंदर भी हम लोग एक इंटरकॉम सिस्टम देते हैं ताकि आप लिफ्ट के अंदर से फ़ोन कर सके, आप अपने सिक्योरिटी को या वॉचमैन जो भी है, या फिर किसी फ्लैट, आप अपने फ्लैट के अंदर फ़ोन कर सके ताकि कोई लोग आए और लिफ्ट को वो ओपन करके आपको वहाँ से सेफली निकाल सके। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग इंटरकॉम सिस्टम लगाते हैं। तो ये बेसिकली इंटरकॉम सिस्टम होता है। इंटरकॉम सिस्टम के अंदर आप एक चीज़ आपको जहन में रखना है कि आउटगोइंग कॉल नहीं कर सकते। आउटगोइंग कॉल का मतलब ये है कि आप अपने बिल्डिंग से बाहर, मतलब इंटरकॉम सिस्टम के बाहर किसी को कॉल नहीं कर सकते, मतलब मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप कॉल नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट से दूसरे इंस्ट्रूमेंट को कॉल कर सकते हैं। तो ये होता है बेसिकली इंटरकॉम सिस्टम। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि हमको इंटरकॉम सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए किन किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उनके कंपोनेंट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपके पास एक इंटरकॉम सिस्टम का होना ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास एक टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। आपके पास टेलीफोन डब्बी का होना ज़रूरी है। आपके पास जो टेलीफोन के अंदर वायर इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं इंटरकॉम के अंदर, वो आपके पास वायर होना चाहिए। उसके बाद एक क्रोन बॉक्स आता है, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक क्रोन टेस्टर का होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद एक क्रोन पंक्चर आता है इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास होना चाहिए। कटर आपके पास होना चाहिए और स्ट्रीपर आपके पास होना चाहिए। ये सारे चीज़, ये सारे कंपोनेंट्स आपके पास हैं तो आप बहुत ही आसानी से सिस्टमेटिकली तरीके से आप एक इंटरकॉम सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं आसानी के साथ। तो चलिए इन सारे कंपोनेंट्स को वन बाय वन समझते हैं डिटेल्स में कि ये कंपोनेंट्स क्या होता है, इसका क्या यूज़ होता है, इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जानते हैं इंटरकॉम सिस्टम के बारे में। बेसिकली ये जो इंटरकॉम सिस्टम होता है, इंटरकॉम सिस्टम ये आपका डिवाइस होता है कि आप किस कंपनी का, किस ब्रांड का इंटरकॉम सिस्टम लेना चाहते हैं उसको यहाँ पर हम इंटरकॉम सिस्टम कह रहे हैं। तो मार्केट के अंदर में अलग अलग ब्रांड अवेलेबल हैं, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से, आप अपने मार्केट के अवेलेबिलिटी के हिसाब से कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। सारे ब्रांड अच्छे हैं। अगर मैं ब्रांड की बात एक दो की मैं आपको नाम गिनाऊँ तो जिसमें आता है, एक देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये एक फोनोमैक्स का है, ये एक फोनोमैक्स का ब्रांड आता है, डिवाइस आता है मार्केट के अंदर में, आसानी से अवेलेबल है, काफ़ी अच्छा है, हमने काफ़ी इसको यूज़ किया है, तो आप फोनोमैक्स ब्रांड ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है क्रिस्टल का, आता है इंटरकॉम सिस्टम, तो आप क्रिस्टल भी परचेज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और हमने भी पर्सनली इसको यूज़ किया। उसके बाद आता है स्काईलिंक का, आता है इंटरकॉम सिस्टम, तो आप स्काईलिंक का भी परचेज़ कर सकते हैं, हमने भी इसको किया है, अच्छा है। उसके बाद फिर मैट्रिक्स का आता है, फिर अलग अलग ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं, तो इसमें से आप कोई एक भी ब्रांड आप ले सकते हैं, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से, मार्केट कैपेबिलिटी के हिसाब से। तो ये बेसिकली सबसे पहले आपके पास एक इंटरकॉम सिस्टम का, इंटरकॉम डिवाइस का होना ज़रूरी है।
उसके बाद आता है इसका डिस्प्ले यूनिट आता है। जब आप इंटरकॉम डिवाइस लेते हैं तो उसके साथ एक आपको इंटरकॉम का डिस्प्ले भी लेना होता है। बेसिकली डिस्प्ले का इसलिए हम लोग लेते हैं कि जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं, फर्स्ट टाइम आपके इंटरकॉम डिवाइस की प्रोग्रामिंग होती है, तो उस वक्त हमें ये डिस्प्ले की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद फिर प्रोग्रामिंग के बाद क्या होता है, डिस्प्ले के ऊपर आप किसी फ्लैट से कॉल आता है तो वो क्या है, सिक्योरिटी या फिर जो आपके वॉचमैन है उनको वो वहाँ पे वो आसानी से पता लगा पाते हैं कि कौन से फ्लैट से कॉल आ रहा है, तो उन्हें पता चल जाता है कि अच्छा फलाना फ्लैट से 203 से या 101 से कॉल आ रहा है, तो वो डिस्प्ले के ऊपर देख के वो आसानी से पता कर लेते हैं। तीसरा क्या होता है, इसके ऊपर डेट एंड टाइम भी शो होता है, तो वो क्या है, डेट एंड टाइम भी वो सिक्योरिटी जो है वो ये यहाँ से ये घड़ी वॉच का भी काम करता है, तो इसके ऊपर डेट एंड टाइम भी शो हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस फ्लैट से कितने बजे कॉल आया, वो डेट एंड टाइम भी वहाँ से वो मेंटेन अगर करना चाहे तो वो मेंटेन कर सकते हैं। तो दूसरा जो है आपके पास ये डिस्प्ले का होना ज़रूरी है, तो ये आपके पास दूसरा डिस्प्ले होना चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज़ जो है, आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट जो है टेलीफोन का इंस्ट्रूमेंट का होना ज़रूरी है, क्योंकि हम जो भी प्रोग्रामिंग होती है वो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट से ही होती है, तो एक आपके पास टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट का होना ज़रूरी है। उसके बाद फिर क्या है, जब भी आप बात करेंगे टॉक करने के लिए तो ये आप इसी टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट से आप बात करेंगे, तो इसलिए इंस्ट्रूमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है क्रोन और क्रोन बॉक्स, दो चीज़ें हैं इसके अंदर। सबसे पहला पार्ट है हमारा क्रोन, उसके बाद है क्रोन बॉक्स। तो चलिए हम इनको समझते हैं, क्रोन क्या होता है, क्रोन बॉक्स क्या होता है। बेसिकली ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोन, इसका नाम है क्रोन। इसका इस्तेमाल जो है फ्लैट से जितने भी इंटरकॉम सिस्टम्स के केबल आते हैं वो सारे केबल को हम लोग इसके अंदर पंच करते हैं। एक क्रोन के अंदर 10 इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट कर सकते हैं, अप टू 10, इसके अंदर 10 कनेक्शन हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे 1, 2, 3 करके यहाँ पर ये पूरा नंबरिंग दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या है, 1 से लेकर 10 तक इसके अंदर इंटरकॉम सिस्टम हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम क्रोन बॉक्स की बात करें तो ये देखिए, क्रोन बॉक्स कुछ इस तरह का होता है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा 50-60 पेयर का कुछ क्रोन बॉक्स है। मार्केट के अंदर 20 पेयर के आते हैं, 40 पेयर के आते हैं, 60 पेयर के आते हैं, 50 पेयर के आते हैं, तो आपका जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्रोन बॉक्स मार्केट से परचेज कर सकते हैं। कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी बिल्डिंग का के अंदर कितने फ्लैट्स हैं, कितने कनेक्शन लगने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्रोन बॉक्स वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्रोन बॉक्स हो गया। इसी क्रोन बॉक्स के अंदर जब आप इस क्रोन बॉक्स को ओपन करेंगे तो आपको देखिए ये कुछ इस तरह का दिखेगा, और हम क्रोन बॉक्स के अंदर जो है क्रोन को पंच करते हैं। ये देखिए, ये जो क्रोन आपको दिख रहा है, ये क्रोन दिख रहा है, इसको फिर वन बाय वन, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस क्रोन बॉक्स के अंदर तो 3 क्रोन लगा हुआ है, 1, 2, 3। तो ये देखिए, ये पहला क्रोन है, ये हमारा दूसरा क्रोन है, ये तीसरा क्रोन है। ये बेसिकली ये क्रोन बॉक्स जो है ये 30 पेयर का क्रोन बॉक्स है, और इसके अंदर हमने 3 क्रोन लगाया है, और इसके अंदर हम 1 से लेकर 30 कनेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए डिवाइस के अंदर से जितने भी कनेक्शन आते हैं, ये देखिए, ये सपोज दैट कि ये डिवाइस है आपका, ये आपका डिवाइस है, और यहाँ से जो आउटपुट निकलता है हम उसको क्रोन बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। सारा कनेक्शन जो है हम वो क्रोन बॉक्स के अंदर करते हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है, तो सारे कनेक्शन डिवाइस से निकल के हम लोग क्रोन के अंदर करते हैं। यहाँ देखिए, इसके अंदर 2 पार्ट होता है, ये देखिए अपर पार्ट और ये लोअर पार्ट। तो डिवाइस के अंदर से जो कनेक्शन आता है हम उसको अपर पार्ट में करते हैं, इसकी क्रोन की पंचिंग करते हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है अलग अलग पोर्ट के ऊपर। और जो फ्लैट से जो केबल आता है, ये तो डिवाइस से आ गया, तो इसी तरीके से यहाँ पर फिर फ्लैट से केबल आता है जो हमारा नीचे डाउन में होता है उसकी पंचिंग। तो जैसे ही ये हमारा कनेक्शन है अभी ऊपर है, जैसे ही हम फ्लैट का केबल यहाँ पे पंच करेंगे तो हमारा जो कनेक्शन है वो हमारे फ्लैट के अंदर तक पहुँच जाता है। तो इस तरह से करके हम लोग क्रोन बॉक्स लगाते हैं, फिर उसके अंदर क्रोन वन बाई वन पंच करते हैं, और फिर डिवाइस से जितने भी कनेक्शन आते हैं वो क्रोन के अंदर डालते हैं, फिर जितने भी फ्लैट के केबल होते हैं यहाँ पर हम क्रोन के अंदर फ्लैट वाले भी केबल को पंच करते हैं। ताकि ये देखिए, जब ये फाइनली जब ये हमारा क्रोन सेट हो जाता है तो ये काफ़ी नीट एंड क्लीन दिखता है, और फ्यूचर में जब कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमें हर फ्लैट के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम क्रोन बॉक्स के पास आते हैं और यहीं से, क्योंकि हमें पता होता है, हमारे पास एक प्रोग्रामिंग की लिस्ट होती है और हमें पता होता है कि कौन से पोर्ट के ऊपर हमने कौन सा फ्लैट का नंबर डाल के रखा हुआ है, वो सारी चीज़ प्रोग्रामिंग लिस्ट के अंदर लिखी होती है। तो जिस फ्लैट के अंदर प्रॉब्लम होता है डायरेक्ट हम क्रोन बॉक्स के अंदर आते हैं, क्रोन बॉक्स के पास आते हैं, और फिर वहाँ से हम क्रोन टेस्टर लगाकर चेक कर लेते हैं, तो बहुत ही आसानी से हमारा प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्रोन बॉक्स लगाते हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट ये डिवाइस के अंदर से लेके फ्लैट में भी केबल
दे सकते हैं, लेकिन जब भी अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपको बार बार फ्लैट के अंदर जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप एक क्रोन बॉक्स यूज़ करें, क्रोन और क्रोन बॉक्स का यूज़ करें, तो फिर आपका क्या है जो सेटअप होता है वो नीट एंड क्लीन होता है, वो थोड़ा सिस्टमेटिकली दिखता है। तो यही बेसिकली क्रोन और क्रोन बॉक्स का यूज़ होता है। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्रोन टेस्टर। अभी हमने आपको बताया इससे पिछले स्लाइड में कि जब कुछ प्रॉब्लम होती है, हम जब इंटरकॉम सिस्टम इंस्टॉल करते वक्त या फिर इंटरकॉम सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद, तो ये बेसिकली देखिए क्रोन टेस्टर कुछ इस तरह का होता है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये देखिए क्रोन टेस्टर जो है बेसिकली ये देखिए कुछ इस तरह का ये क्रोन टेस्टर है। ये देखिए इसका एक पार्ट होता है ये, अगर आप देख पा रहे होंगे, और दूसरा पार्ट होता है ये। तो इसका जो ये वाला पार्ट है ये हमारा ये क्रोन के अंदर जाता है, और दूसरा पार्ट जो ये होता है जिसके अंदर हम क्या है अपना टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करते हैं, और फिर डायरेक्ट वो उसका जो डायल टोन है या फिर उसकी जो कनेक्टिविटी है, जैसे ही क्रोन टेस्टर हम लगाते हैं क्रोन के अंदर तो डायल टोन हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर उसकी कनेक्टिविटी आ जाती है, फिर वहाँ से हम चेक करते हैं। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे क्रोन टेस्टर को कुछ इस तरह से क्रोन के अंदर डालते हैं, और उसका एक दूसरे टाइप का इस तरह का भी आता है क्रोन टेस्टर। तो फिर हम इसमें क्या करते हैं टेलीफोन की डब्बी के थ्रू हम उसके अंदर कनेक्ट करते हैं केबल, और फिर उसके बाद हम टेस्ट करते हैं। तो ये बेसिकली इंटरकॉम सिस्टम के अंदर जो हमारा ये क्रोन टेस्टर है बहुत ही बड़ा प्ले रोल करता है। तो इसके लिए आपके पास एक क्रोन टेस्टर का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपका जो काम है, जो भी प्रॉब्लम आपके साइट पर होगी, तो आप बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रोन टेस्टर नहीं है तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम आपको होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्रोन पंक्चर। हमने आपको बताया कि जितने भी हमारे क्रोन बॉक्स होते हैं उसके अंदर हम क्रोन लगाते हैं, और फिर फाइनली जितने भी हमारे फ्लैट से केबल आते हैं इसके अंदर, ये देखिए यहाँ पर हम लोग जो पंच करते हैं, ये इसके अंदर जब हम कनेक्शन वन बाई वन पंच करते हैं फ्लैट का केबल, तो हम इसी क्रोन पंक्चर का इस्तेमाल करके हम इसको पंच करते हैं, तो वो काफ़ी नीटली उसके अंदर पंच हो जाता है, और जो एक्स्ट्रा वायर होते हैं वो कट के बाहर निकल जाते हैं। ये देखिए अगर आप देख पाएंगे तो ये देखिए जैसे ही जब हम यहाँ पे पंच करते हैं इसको, तो जितना वायर अंदर जाना होता है उतना वायर अंदर जाता है, जो भी एक्स्ट्रा वायर होते हैं वो नीटली कट के बाहर आ जाता है। तो आपके पास अगर एक क्रोन पंक्चर रहता है तो आप ये बहुत ही सिस्टमेटिकली प्रॉपर तरीके से आप कर पाएंगे। इवन अगर आपके पास क्रोन पंक्चर नहीं है तो उसको प्रॉपर तरीके से आप पंच भी नहीं कर पाएंगे। सपोज दैट आप कर भी दिए तो हो सकता है कि 10 दिन के बाद, एक महीने के बाद, या फिर आप करके जाए उसके बाद फिर वो वायर लूज़ हो जाए, तो फिर वो आपका जो फ्लैट का जो कनेक्शन है वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, फिर आपके पास फिर दोबारा कॉल आएगी कि उनका जो इंटरकॉम सिस्टम है वो बंद हो गया है। तो आप प्रॉपर एक अच्छा क्रोन पंक्चर रखें, एक अच्छा क्रोन टेस्टर रखें गुड क्वालिटी का, ताकि आपको साइट के ऊपर बार बार दौड़ना ना पड़े और आप अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद स्ट्रिपर की ज़रूरत पड़ती है। आप लोग ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर है तो इस हिस्से अवेयर होंगे, हम इसको केबल को स्ट्रिप करने के लिए और कट करने के लिए बेसिकली स्ट्रिपर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास एक स्ट्रिपर का भी होना ज़रूरी है। उसके बाद आता है हमारा टेलीफोन डब्बी। तो टेलीफोन डब्बी का भी होना बहुत ज़रूरी है। जब आप फ्लैट तक केबल लेके चले जाते हैं फ्लैट के अंदर, या फिर जहाँ पर भी आपको कनेक्शन देना होता है तो वहाँ तक आप कनेक्शन लेके जाते हैं, तो डायरेक्ट तो आप टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि बीच में वायर और टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट के बीच में एक डब्बी लगता है। जो हमारा वायर आता है जहाँ पर भी हमें कनेक्शन देना होता है, तो उसका कनेक्शन हम टेलीफोन डब्बी के अंदर देते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से टेलीफोन डब्बी के अंदर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये पोर्ट है, तो यहाँ पे हम इसका कनेक्शन कर देते हैं। दो वायर आती है तो दो वायर को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारा जो लाइन है वो यहाँ तक पहुँच जाता है। ये देखिए यहाँ तक पहुँच जाएगा, अगर इधर आप देखेंगे तो यहाँ तक लाइन पहुँच जाता है। फिर हम इसके अंदर अपना जो भी टेलीफोन का इंस्ट्रूमेंट है वो लगाते हैं, तो लाइन हमारे टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट के अंदर पहुँच जाता है। तो इसलिए आपके पास एक टेलीफोन डब्बी का भी होना ज़रूरी है। अगर आपके पास टेलीफोन डब्बी नहीं है तो फिर वो आपको वायर को कट करके फिर ज्वाइंट करना पड़ेगा, तो फिर वो ठीक नहीं होता है। तो आप टेलीफोन डब्बी अपने पास रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा इंटरकॉम वायर। तो इंटरकॉम सिस्टम के अंदर जो वायर भी होता है, या फिर किसी भी आप सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल करते हैं, तो वायर आपको एक अच्छे क्वालिटी का वायर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर वायर की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी तो उस वक्त तो आपका काम हो जाएगा, बट 2-6 महीने के बाद आपको बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। और ये वायर का जो बेसिकली फंडा ऐसा होता है कि जब एक बार आप वायर कहीं पे आप वायरिंग कर दिए, तो बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि वहाँ पे वायर चेंज करने के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि एक अच्छे ब्रांड का एक अच्छा केबल यूज़ करें। इंटरकॉम के अंदर जो यूज़ होता है कनेक्शन के लिए, 2 कोर का सिर्फ इस्तेमाल होता है 1 पेयर का। तो जब भी आप केबलिंग करें इंटरकॉम सिस्टम्स का, तो 2 पेयर लें, 4 कोर का केबल लें। आप एक पेयर यूज़ करें और एक पेयर आप स्पेयर में रखें कि कभी फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप दूसरे पेयर को आसानी से यूज़ कर लें और आपको पूरा केबल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़े।
या फिर अब आप चाहे तो 2, 3 पेयर, 4 पेयर का भी केबल यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही आपका थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाएगा बट लेकिन फ्यूचर के लिए वो आसान हो जाएगा, आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो सारे केबल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसमें ब्रांड की बात करें तो इसके अंदर पॉलीकैप ब्रांड आता है और इसमें डीप केबल करके एक ब्रांड आता है जो काफ़ी आपने भी शायद नाम सुना होगा। पॉलीकैप का तो आपने नाम सुना ही होगा, ये पॉलीकैप का केबल है। और ये जो एक आता है ब्रांड मार्केट के अंदर डीप केबल, ये भी ISO सर्टिफाइड है। ये बेसिकली डीप केबल क्या होता है, ये काफ़ी सॉफ्ट होता है और ये राउंड होता है। बेसिकली ये केबल जो है वो लिफ्ट के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं। ये काफ़ी वेटेज होता है तो लिफ्ट के अंदर जो बेसिकली लिफ्ट वाली जो टीम होती है वो इसी केबल को सर्टिफाइड अप्रूव करती है। अगर आप ये पॉली कैब लगाएंगे तो लिफ्ट की जो टीम है वो इस केबल को अप्रूव नहीं करती है। तो आप लिफ्ट के अंदर डीप केबल यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा चलता है। अदरवाइज़ अगर आप ये केबल यूज़ करते हैं तो लिफ्ट के अंदर जो ट्रैवलिंग केबल होता है उसके साथ ये, क्योंकि लाइट वेट होने की वजह से वो फंस के बार बार टूटता है, तो इसलिए हम लोग डीप केबल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी एक बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली केबल के बारे में हम लोगों ने कुछ जाना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली हम लोग अभी आ चुके हैं इसके इंटरकॉम के ब्लॉक डायग्राम के ऊपर, इसके कनेक्शंस के ऊपर आ गए हैं। तो चलिए हम इसके कनेक्शन को समझते हैं कि बेसिकली इसका कनेक्शन क्या होता है। हमने आपको बताया कि किन किन कंपोनेंट्स इंटरकॉम सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या डिवाइस के यूज़ होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके बताएंगे कि किसका कनेक्शन किसके साथ कैसे अटैचमेंट होता है, तो आपको और भी अच्छे से आप समझ पाएंगे आई होप। तो चलिए इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर इंटरकॉम सिस्टम को और अच्छे से समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमने आपको बताया कि हमें एक इंटरकॉम सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हमारा इंटरकॉम का डिवाइस है, ये हमारा इंटरकॉम का डिवाइस है। जस्ट ये देखिए, यहाँ पे प्रैक्टिकली हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए हमारा ये इंटरकॉम का डिवाइस है, ये फोनोमैक्स का है। आप समझ लीजिए जो भी आप ब्रांड परचेस करेंगे तो ये आपका डिवाइस हो गया। इस डिवाइस को हम क्या करते हैं कि 230 वोल्ट एसी, इसके अंदर वायर लगी होती है तो वायर के थ्रू या जो भी इसके साथ एडाप्टर आएगा आपके, तो इसको आप पावर दे देंगे 230 वोल्ट से या फिर जो भी आपका एडाप्टर के थ्रू। तो अभी आपके जो डिवाइस है, आपने जो इंस्ट्रूमेंट परचेज किया उसके अंदर पावर आ गया, तो अभी ये क्या वर्क करना शुरू हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से जो आउटपुट निकलता है तो वो हम उसको क्या है कनेक्शन सारा क्रोन बॉक्स के अंदर करते हैं। अगर हम आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाएं, अगर आप नीचे देख पा रहे होंगे तो ये देखिए हमारा क्रोन बॉक्स लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो लगा हुआ है। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से, अगर आपका एक में काम होता है तो आप एक लगाएंगे, और ये देखिए यहाँ से जितने भी केबल हमारे आ रहे हैं डिवाइस से वो हमने क्रोन बॉक्स के अंदर डाला है, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे। तो हमारा कनेक्शन अब क्रोन बॉक्स के अंदर आ गया, तो हमारा आउटपुट अब देखिए। फिर हमने आपको बताया था कि जितने भी हमारे फ्लैट के अंदर केबल जाते हैं वो क्रोन बॉक्स से जाते हैं, तो ये देखिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर बताया है कि ये समझ लीजिए कि हमारा ये पहला कनेक्शन है, उसके बाद ये हमारा कनेक्शन नंबर दूसरा है, ये हमारा कनेक्शन तीसरा है। फर्ज कीजिए कि ये किसी फ्लैट के अंदर ये लगा हुआ है, ये हमारा सिक्योरिटी केबिन को लगा हुआ है, ये हमारा लिफ्ट के अंदर लगा हुआ है। तो यहाँ से जो केबल फ्लैट तक जा रहा है ये जो है 2 कोर का केबल है, ये 2 कोर का केबल लगता है इसके अंदर, तो ये जाता है। उसके बाद देखिए ये देखिए ये अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए ये कुछ क्रोन बॉक्स हमने आपको बताया था लास्ट स्लाइड के अंदर, तो ये होता है इसके अंदर हमारे डिवाइस के सारे केबल आ जाते हैं ऊपर में, और फिर नीचे जो होता है हमारे ये फ्लैट के ये जितने भी केबल आ रहे हैं ना उसको यहाँ हम नीचे पंच करते हैं। ये देखिए यहाँ ये पहला हमारा हो गया, और ये देखिए ये हमारा जो फ्लैट के जो केबल है वो डायरेक्ट ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ दूसरे नंबर पर पंच हो जाएगा, और ये तीसरा जो है ये कुछ इस तरह से पंच हो जाता है नीचे में, और ऊपर में ऑलरेडी तो हमने डिवाइस के अंदर से कनेक्शन दे दिया है। तो हमारा कनेक्शन अब फ्लैट के अंदर, अगर हम फ्लैट में लगा हुआ है तो फ्लैट के अंदर पहुंच गया, सिक्योरिटी केबिन के पास पहुंच गया, और ये हमारा लिफ्ट के अंदर ये पहुंच गया। उसके बाद हमारा क्या होता है, एक सेकेंड, उसके बाद हमारा ये कनेक्शन यहाँ तक आ गया। फिर उसके बाद हम जैसे ही फ्लैट के अंदर आते हैं तो ये देखिए हमने आपको बताया था कि एक टेलीफोन डब्बी का यूज़ करते हैं, तो सपोज दैट अगर आपने सिक्योरिटी केबिन के पास दिया है तो वहाँ पे तो कुछ इस तरह का बोर्ड तो लगा होता नहीं है। अगर ये आपके फ्लैट के अंदर केबल आया हुआ है तो ठीक है, आपके फ्लैट के अंदर वहाँ पे बोर्ड वगैरह होता है, तो ये देखिए कुछ इस तरह का RJ11 का एक सॉकेट आता है, जैसे ये आपका आता है ना चार्ज करने के लिए सॉकेट, तो वैसे ही टेलीफोन डिवाइस को इंस्ट्रूमेंट को लगाने के लिए एक सॉकेट आता है, तो वो सॉकेट आप परचेस करके आप डायरेक्ट आप बोर्ड के अंदर फिट कर देते हैं, और ये जो आपका केबल है तो वो डायरेक्ट उसके अंदर फिट हो जाता है, और ये जो कनेक्शन है बेसिकली ये कनेक्शन बोर्ड के अंदर आ जाता है। तो ये थोड़ा आपका नीट एंड क्लीन दिखता है, आपका इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, फिर आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर लाइन आ गया। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम बात करें, अगर सपोज दैट लिफ्ट के अंदर आपका लगा हुआ है तो वहाँ पे तो कुछ बोर्ड वगैरह होता ही नहीं है, तो फिर उस केस में हम लोग क्या टेलीफोन डब्बी यूज़ करते हैं, या फिर अगर आपका सिक्योरिटी केबिन है या फिर कहीं आपका रिसेप्शन वगैरह है तो वहाँ पे अगर आपके पास ये ऐसा बोर्ड नहीं है
तो आप वहां पे उस केस में टेलीफोन डब्बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कनेक्शन आपका टेलीफोन डब्बी में आएगा, फिर आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है, ये देखिए इंस्ट्रूमेंट आप जो मार्केट से परचेस करते हैं तो उसके अंदर एक केबल होता है, तो केबल को या तो आप डब्बी में डालें या फिर आपके अंदर अगर बोर्ड आपके घर में है, बोर्ड के अंदर आपने कनेक्शन दिया है तो डायरेक्ट बोर्ड के अंदर डालेंगे तो फिर आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो कनेक्शन आ जाता है। फिर अभी इससे इसको कॉल करेगा तो ये इसके ऊपर रिंग बजेगी, यहाँ से ये कॉल करेगा तो इनको रिंग बजेगी, फिर आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो बेसिकली इस तरह से ये जो हमारा इंटरकॉम सिस्टम होता है वो वर्क करता है। अभी आप फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसके अंदर फिर नंबर, जैसे अभी मोबाइल का नंबर होता है सबका इंडिविजुअल एक पर्सनल नंबर होता है, तो जब हम लोग इंटरकॉम सिस्टम की जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो सारे इंस्ट्रूमेंट को, जैसे अभी सपोज दैट ये कोई फ्लैट है तो ये नंबर वन, ये हमारा ये कोई फ्लैट है तो इसका हम लोग, ये सपोज दैट आपका फ्लैट नंबर 101 है, मतलब फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपका पहला फ्लैट है, तो हम लोग इसको नंबर दे देते हैं कि 101। तो इससे क्या हो गया कि आइडेंटिफिकेशन भी हो गया कि हमारा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपका जो फ्लैट नंबर 1 है। अगर सपोज दैट के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर दो फ्लैट है तो फिर हम दूसरे फ्लैट को जो नंबर देंगे वो 102। तो इससे क्या होगा, तो इससे ये इंडिकेट हो गया कि पहला फ्लोर का ये सेकेंड फ्लैट हो गया। फिर अगर सपोज दैट सेकेंड फ्लोर की बात करें उस पर भी दो फ्लैट है तो हम पहला नंबर देंगे 201, उसके बाद 202। तो जो आपके सिक्योरिटी हैं या फिर जो भी हैं, बाहर से लोग भी आएंगे तो कितने फ्लैट में रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी उनको नंबर याद रहेगा, वो आसानी से वो आपको कॉल कर सकते हैं, तो इसमें याद रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह सेट करते हैं, उसका जो नंबर देते हैं वो असाइन करते हैं, तो सारे फ्लैट को हम लोग इसके हिसाब से नंबर देते हैं, उनका जो फ्लैट होता है उसके अकॉर्डिंग नंबर देते हैं, ताकि कोई भी अननोन लोग भी आए तो उनको पता होता है भाई कौन से फ्लैट में जाना है, सिक्योरिटी को बोलते हैं तो सिक्योरिटी वहाँ से कॉल लगा देते हैं 202 201 या फिर 301, जहाँ भी उनको जाना होता है। तो इस तरह से करके वो वहाँ से कॉल कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने प्रोग्रामिंग के ऊपर हमने अलग अलग ब्रांड के ऊपर वीडियो बना रखा है, तो अगर आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अगर वीडियो अगर आप चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर या फिर हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से जाके आप प्रोग्रामिंग की भी वीडियो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम जानते हैं कि इसका एप्लीकेशन से जो इंटरकॉम सिस्टम होता है उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है और हम किन किन जगहों पे कर सकते हैं। बेसिकली जो इसका इस्तेमाल ज़्यादातर होता है वो बिल्डिंग के अंदर होता है, कॉरपोरेट ऑफिस के अंदर होता है। उसके बाद आप इसका इस्तेमाल आप अपने ऑफिस के अंदर भी कर सकते हैं, अगर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, पर्सनली घर के लिए भी लोग इंटरकॉम सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, स्कूल्स के अंदर होते हैं, कॉलेजेस के अंदर होते हैं, तो इन सारी जगहों पे जहाँ पे भी मतलब एक दूसरे को एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में कॉल करना है या फिर एक जगह से दूसरी जगह इंटरनली आपस में कम्युनिकेट करना है तो आप वहाँ पर इंटरकॉम सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमें कमेंट्स करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।